तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी। One more time, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी। कभी उड़ती महक, कभी गीली फिजा, कभी पाक दुआ, कभी धूप कड़क, कभी छांव नरम, कभी सर्द हवा। तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी। Everybody out there, let's convert this beautiful press conference into a nightclub. What say? Teri meri, everybody. Teri meri kahani. One more time. Teri meri, teri meri kahani. Thank you very much. Woo! Thank you so much, everyone, for being here. Bless the song, bless the film, bless everybody who's here at the panel. HR, your last words before we wind up. Thank you very much, and please, आप इन्हें bless कीजिए. इनकी आवाज इतनी divine है कि आपको बस ये press conference हमने रखी है रानू जी के लिए कि भाई उनकी आवाज को आप next level पे लेके जाइए. इन्हें support कीजिए, इन्हें प्यार दीजिए, हैप्पी हार्डी हीर को प्यार दीजिए. हम सबके लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आई थिंक एचआर, जस्ट अ सेकंड, वी हैव अ, आई थिंक कभी सोचा नहीं था कि मैं कैसे स्ट्रगल करूंगा या म्यूजिक मेरा कैसे बाहर आएगा. तो सलमान भाई ने वो एक दिन अपना वादा पूरा कर लिया. उन्होंने कहा था, प्रॉमिस किया था मुझे, और उन्होंने मुझे ये गाने दे दिए. वो गाने हिट हो गए. तो सलीम अंकल ने तब मुझे बात कही थी कि भाई अच्छा टैलेंट देखो तो यू हैव टू गिव इट बैक टू द इंडस्ट्री अगर इंडस्ट्री आपको देती है. तो मैंने अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ कभी कोई न्यू कमर अगर कोई मिले तो जितना हो सके हम लोग, और यू नो हर म्यूज़िक कंपनी या प्रोड्यूसर या सब लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता ही है कि भाई अगर किसी में टैलेंट हो तो मिले, बट एक्सेप्शनल टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ग्रेट टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है. तो उस टैलेंट को जहाँ पर भी हम स्पार्क देखते हैं वो हमें करना चाहिए, ये मैंने सीखा था और वही चीज़ करता आया हूँ, और रियलिटी शोज़ में भी करते थे. और जहाँ पे ये आवाज़ देखी तो बिल्कुल वो बात अंदर से आ गई कि यार तेरी मेरी कहानी के लिए ये एक्सेप्शनल वॉइस होनी चाहिए, कुछ और नहीं सोचना चाहिए. तो बस वो मैंने वादा कर दिया. अब वादा करने के बाद मैंने दीपशिखा जी से भी बात की, मैंने कुमार जी से भी बात की, और उन लोगों ने भी इतना सपोर्ट किया और ये बात वायरल हो गई. वो गाना मेकिंग में ही इतना पॉपुलर हो गया, रिलीज से पहले इतना म्यूज़िक इतना पॉपुलर हो गया फिल्म का. सो ये सब कुछ जो हुआ वो सिर्फ एक अंदर से एक आवाज़ आई थी, एक दिल से दिल का कनेक्शन था. क्योंकि म्यूज़िक इज़ समथिंग विच यू इमोशनली कनेक्ट टू. यू डोंट रियली प्लान म्यूज़िक. म्यूज़िक आपका बनता है, वो नोट्स अच्छे लगते हैं, वो गाने अच्छे लगते हैं, और उसमें सही आवाज़ बैठ जाए और सब कुछ हो गया. तो मैंने कुछ किया नहीं है. जो एक इंटेंट था कि हमें कहीं ना कहीं अच्छा टैलेंट मिले तो आगे लेके जाना चाहिए, वो हमारी पूरी यूनिट ऑफ हैप्पी आर डी हीर का हमेशा से ही रहा है. बिकॉज़ ये फिल्म में काफ़ी नया टैलेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, बहुत हर डिपार्टमेंट में हो रहा है. हमारा डायरेक्टर नया है, ही वॉज अ वेरी गुड कोरियोग्राफर. सो कहीं ना कहीं लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द टीम, एंड बस रानू जी आपकी वजह से हैज़ गॉन टू दैट नेक्स्ट लेवल. और बस हम ये जो इट्स हर डे, यू हैव टू टेक हर टू दैट नेक्स्ट लेवल. रानू जी, मेरा सवाल आपसे है. रानू जी, आपके लेफ्ट में, हेलो, आपके लेफ्ट में इधर, वो देखिए वो उधर. रानू जी, किस तरीके से देखती हैं आप इस सारी जर्नी को? कितनी मुश्किल थी ये जर्नी, क्या कहना चाहेंगी? और अब जब सब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, जनता का इतना प्यार मिल रहा है, तो
क्या फील करती हैं आप? उनके इस प्यार के लिए तो मैं आभारी हूँ उनके पास, प्यार के लिए जो मुझे इतना प्यार दिया उन लोगों ने, इतना मुझे चाहा इस बात गाने के लिए, इसके लिए मैं उनके पास, उनको तो हर वक्त मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके लिए। और फिर हमारी ये जो हेमिश जी है, इनका जो मुझ पर एहसान ज़रूर है, ये भी तो एहसान की बात होती है, मगर फिर भी उन्होंने मुझे मेरी आवाज़ के ऊपर डिपेंड किया है कि मैं गा सकूँगी, मतलब सुर के ऊपर उन्होंने जो अभी तक बताया उन्होंने, तो उन्होंने भी मेरे लिए बहुत एक मतलब मुझे इस तरह की मुझे इतना मदद मिली है। और प्यार भी ज़रूर, प्यार अगर ना हो तो शायद मेरे दिल से इतना सारा गाना शायद नहीं हो पाता था शायद, क्योंकि मुझे तो जिन्होंने बनाया वो उसका प्यार है, यानी गॉड का है, आई मीन जीसस का, यीशु की, तभी तो मैं गा सकी। और फिर आप लोगों की इतना प्यार भी उनके वजह से मुझे मिली है, तो मैं आपका भी आप सबका आभारी हूँ, गॉड की भी आभारी हूँ। और ये जो अपना तपन दास, ये तो हमारे लिए बहुत मेहनत की है, बहुत कि हमें उनका उन्होंने तो मेरे तपन दा हाथ उठाई यहाँ तक उन्होंने मुझे छोड़ा इनके वजह से, जो हमें हेल्प किया। और अतिंद्र को भी, तो उनका भी बहुत शुक्र और अतिंद्र को भी, क्योंकि उन्होंने जब वीडियो किया इसके बारे में, गानों के बारे में, तो उनके वजह से भी ज़रूर। तो इनके लिए मैं आपके सब और आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभारी हम आप सब के लिए। जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है तब से आप धन्यवाद दिए जा रही हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे रही हैं, फैंस को दे रही हैं, हिमेश को दे रही हैं, तपन और बाकी टीम को दे रही हैं, लेकिन आपसे बहुत लोग इंस्पायर भी हुए हैं। आपकी कहानी जानना चाहते हैं। आप तेरी मेरी कहानी गाना ज़रूर गा रही हैं, लेकिन आपकी कहानी कि क्या आप बचपन से आपने कभी सोचा था कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आएंगी? क्या आपने कभी कोई शास्त्रीय संगीत का कोई क्लासेस ली है, या फिर जब आप गा रही थी, आपका वीडियो रिकॉर्ड किया था तपन ने, उस वक्त क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया था कि आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आप इस तरह से लोगों की फेवरेट बन जाएंगी? मैं जब गाती थी तो तभी मुझे इस बात का एहसास नहीं था, मगर मेरे आवाज़ के ऊपर मैंने हमेशा निर्भर किया कि मेरी जो आवाज़ है, क्योंकि मैंने पहले तो लता जी का आवाज़ से गाना शुरू किया, तो उसके लिए मैंने वो जो शोर पिक्चर का गाना गाया, तो मैंने वो जो गाना बचपन से मैंने गाने की मुझे बहुत शौक़, मतलब शौक़ मीन्स दिल से, ऐसा नहीं गा दिया हो गया, मतलब जो गाना नहीं होता तो एक अनकम्फर्टेबल बोलते हैं ना, जिसके फुल मतलब फुलफिल नहीं हुआ, या फिर कुछ अधूरा रह गया मेरी ज़िंदगी से, मेरी सुरों से, मेरी आवाज़ों से, तो कहाँ क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा सोचते थे जरूर, लेकिन मेरी जो आवाज़ है जो गॉड की तरफ से मिले या भगवान, तो उनके ऊपर मैं हमेशा निर्भर या फिर डिपेंड करती थी कि मैं करती हूँ भी अभी भी, कि उनके मेहरबानी से मैंने जो भी कुछ हुआ सब आपके सामने हूँ और है, और आगे जाके भी मैं ज़रूर गाऊँगी। इनके साथ तो वो जो रिलीज हुआ ना से गाना, तो इन सब के लिए मैं सबको और उनको भी शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन ये बात है कि मैंने कभी ये आशा नहीं छोड़ा, उम्मीद नहीं छोड़ी कि मेरे जीवन में कभी ये दिन नहीं आने वाली है। हाँ, ये जो स्टेज मुझे, ये जो स्टेप मिली है हिमेश जी से, तो इसका शायद मुझे अंदाज़ा नहीं था या मैंने सोचा नहीं, लेकिन स्टेज पर मैं पहले भी गा चुकी हूँ और गाया भी हूँ, और वो कुछ सालों के लिए गैप थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गानों से अनजाना थी। ये जो सुर, और अगर मैं सोचा कि मैं गा नहीं सकी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गाना सुनना छोड़ दूँ,
तो मैंने उन जैसे कि रफ़ी जी और लता मंगेशकर, मुकेश जी और सनू निगम और फिर कुमार सानू, जो जो बड़े बड़े सिंगर है या फिर किशोर कुमार, इन लोगों के गाना सुन के तो मैंने सीखी वो, तो कैसेट से रिवाइज कर करके मैंने जिस जिस जगह में मुझे ज़रूरत वो सुन सुन के सीखी हो। तो मुझे जैसे लता जी का आवाज़ मैंने तभी कॉपी करती थी, कर कर के मैंने गाया। तो हाँ, सभी गायक गायिका से तो मुझे ये उम्मीद थी कि है भी कि मैं ज़रूर गा सकती हूँ। ऑन योर लेफ्ट, लोग ये भी आपके बारे में पढ़ा था कि आप पहले भी मुंबई में रह चुके हैं और फिरोज खान साहब को भी आपने गाना सुनाया था, क्या कहानी है, थोड़ा जाना चाहती कि आप उनके साथ काम करते जी। देखिए, मैंने फिरोज जी का तो गाना नहीं सुनाया, मगर उनके रूम में मैं रहती थी, क्योंकि मेरी जीवन में जो स्टेप आया था उन्हीं के घरों से शुरू हुआ, इसके लिए मैंने उन्होंने तो मेरे उम्र से भी बहुत ही मतलब उम्र से बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ तक कि मैंने जो भी फिल्म सिंगर आई मीन्स गायिका और गायक की बात की, वो भी हमारे से बहुत ही आई मीन्स उम्र से बहुत बड़े हैं। हाँ, लेकिन उनके गाना सुन के मैंने जो गाना शुरू किया, लेकिन फिरोज खान की बात जब आई तो उनको मैंने कभी गाना सुना है नहीं, या तो फिर भी उन्होंने मुझसे गाने का कुछ ये डिमांड भी नहीं किया कि तुमने गाना गाते हो या फिर गा। उनके घर पे हम रहते थे, उनके घर में रहते हुए या तक कि उनका एड्रेस से उनका अकाउंट से मेरा अकाउंट शुरू हुआ था, तो उनको इतना करीब से जानती हूँ कि उनका घर होते हुए भी फिर भी उन्होंने अपना रूम जो नीचे था वो रूम पार्टीशन करके वहाँ में दिया था, वहाँ पे टॉप की ज़रूरत या टॉप आई मीन वाटर तो वो भी उन्होंने बना के दिया था, नल जिसको बोलते हैं ना। और फिर खाने बने की तो हम फिरोज खान के घर पे से ही लेके आती थी, उनका फ्रिज से जो भी कुछ खाना था तो उनके घर पे से ही लेके आती थी, और मेरी फैमिली हम वहाँ पे रहती थी, तो इसी हिसाब से उनका मेरा जान पहचान है। लेकिन उन्होंने मुझे बोला नहीं कि तुम गाना गाओ या फिर सुनाया नहीं। आपको कभी लगा नहीं उनको सुना दूं, क्योंकि वो इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, उस समय आपको नहीं लगा कि गाना सुना सकती हूं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं फैमिली में तभी बिजी थी, इसके लिए मैं वो सब कुछ बोल नहीं सकी। लेकिन बहुत काफ़ी फिल्म स्टारों से मेरी मुलाकात हुई, जैसे कि ऋषि कपूर जी और फिर विश किया और फिर किरण जी, वो लोग तो टीवी सीरियल करते थे, और फिर राज बब्बर जी, स्कूल से उनके साथ इंट्रोडक्स हुआ था, और फिर बहुत सारे फिल्म स्टारों से मेरा जान पहचान तभी हुआ ये बात। okay. लेकिन भाई पूछ ले वो। Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.